आचार्य बलदेव स्मारक शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ से कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी हमें यहाँ उस पदार्थ को ढूंढना है जो लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जल एक पारदर्शी समांग माध्यम है जिससे लेंस बनाया सकता है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से कांच भी पारदर्शी समांग माध्यम है, लेंस बनाने के काम में आता है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं है। तीसरा है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी पारदर्शी और समांगी बनाए जाते हैं और प्लास्टिक से लेंस बनते हैं, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं है। चौथा है मिट्टी। मिट्टी अपारदर्शक होता है, इससे लेंस हम नहीं बना सकते, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? विकल्प दिए गए हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का एवं उत्तल लेंस का। तो हम सभी जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हम सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? यहां ध्यान देंगे, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम ही हैं। और बहुत खास बात यह है कि प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वह लगभग लगभग एक ही है। प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम में हम कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के नियम में हम कहते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसमें कहा गया था कि आई, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर के बराबर होता है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम में कहा गया कि आपतन कोण की जया अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो उत्तर है दो नियम हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? यहाँ ध्यान देंगे, जो शब्द बिंब है इसका अर्थ वस्तु ही है, तो बिंब यानी वस्तु। तो किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है, किससे? उत्तल लेंस से। तो हम सभी पढ़े हैं कि जब वस्तु 2f दूरी पर होती है तो उत्तल लेंस से उसका प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर दूसरी ओर बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो हमारा उत्तर होगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर अर्थात विकल्प बी। किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक -15 सेंटीमीटर हैं। यहाँ ध्यान देंगे, दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक कही गई और लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक कही गई और मान दोनों का 15 ही बताया गया। अब कहा गया कि दर्पण और लेंस संभवतः हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे, दर्पण में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ अगर ऋणात्मक दिया गया है तो दर्पण हमारा अवतल होना चाहिए। इसी प्रकार से गोली लेंस की बात करें हम, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है,
जबकि उत्तल लेंस की फोटोधनात्मक होती है। तो यहाँ स्पष्ट है कि हमारा दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल ही होगा, तो दोनों अवतल पहला विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। विकल्प दिए गए हैं साइन आई अपान साइन आर, साइन आर अपान साइन आई, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्नेल का जो अपवर्तन का नियम है उसमें कहा गया था कि आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है दिए गए माध्यमों के लिए और दिए गए तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? साइन आई अपान साइन आर होगा। पहला विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि लेंस का आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, जिसे आप v अपान u के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उसमें पहला विकल्प u अपान v इसका अपोजिट है, ये नहीं होगा, ये गलत है। u भी ये बिल्कुल गलत है, u प्लस v यह भी गलत है। विकल्प डी आपका सही विकल्प है, v अपान u। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यहाँ ध्यान देंगे जब हम कह रहे हैं फोकसांतर तो इसका मतलब फोकस दूरी ही है। तो गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी के एफ के दोगुने के बराबर होता है। ये संबंध है इन दोनों के बीच। तो विकल्प दिया है ए आर इज इक्वल टू एफ, जो कि सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब अर्थात वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा हम विचार करें, तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ए हमारा उत्तर हो सकता है। बी समतल दर्पण, समतल दर्पण सदैव वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। उत्तल दर्पण से सदैव वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और जब ये दोनों नहीं है तो डी उत्तर अपने आप गलत है। तो हमारा उत्तर हुआ अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न लेते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस बना के देखें हम तो यह इस प्रकार का होता है। विकल्प दिए गए हैं सभी जगह समान मोटाई का, जो आप देख रहे हैं कि नहीं है। तो पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा अवतल लेंस होता है न कि उत्तल लेंस। तो यह विकल्प भी गलत है। तीसरा दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस के लिए यह विकल्प सही है कि वह बीच में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। विकल्प दिए गए हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो यहाँ हम ध्यान देंगे सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह लगाई जाती है वह इसलिए लगाई जाती है कि प्रकाश को, बल्ब के प्रकाश को दूर तक फेंका जा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च लाइट के परावर्तक पृष्ठ को अवतल बनाते हैं और बल्ब को इस दर्पण के फोकस पे रखते हैं, ताकि यहां से चलने वाली किरणें मुख्य के समांतर सीधी एक किरण पुंज के रूप में जाएं। तो स्पष्ट है कि यहां पर हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। यहाँ पुनः वही प्रश्न आया हुआ है, उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो विकल्प ए सही उत्तर है।
पानी में डूबे उत्तोलन की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा विकल्प दिए गए हैं अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है अथवा इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे कि जब हम लेंस को विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी में कमी देखने को आती है, अतः स्पष्ट है कि उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो बनते हैं वो उल्टा और वास्तविक बनते हैं, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके अलावा अगर वस्तु फोकस और प्रकाशीय क्षेत्र के बीच में है तो प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है। तो यहां पर देखें बराबर और सीधा, तो अगर उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बराबर बनेगा बनता है जब वस्तु 2F पर होती है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है, वो उल्टा बनता है, तो विकल्प ए गलत है। वास्तविक और उल्टा यहाँ पे मैंने बताया कि ये सही होता है, उत्तल लेंस से वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ये विकल्प सही होगा। वास्तविक और सीधा यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो सीधा नहीं होगा, या सीधा है तो फिर वो वास्तविक नहीं होगा, तो विकल्प सी गलत है। और डी भी गलत हो गया क्योंकि हमारे पास एक विकल्प सही मिला हुआ है, वास्तविक और उल्टा, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये चर्चा भी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में किया कि काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में हो कहीं पर तो बनता है, अर्थात फोकसांतर से कम दूरी पर हो तो बनता है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न। लेंस की क्षमता होती है, हम जानते हैं लेंस की क्षमता को पी से व्यक्त करते हैं, इसका सूत्र है 1/f फोकस दूरी, जबकि फोकस दूरी को मीटर में लिया गया हो और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। तो यहाँ पूछा गया लेंस की क्षमता होती है, तो हमने क्या देखा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में लिया गया हो, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब अर्थात वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का। तो यहां ध्यान देंगे जब वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनता है, जब वस्तु को अनंत और 2f के बीच में कहीं पे रखते हैं तब प्रतिबिंब छोटा बनता है, और जब वस्तु को हम 2f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर ही बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है, और जब हम वस्तु को 2f से आगे 2f और f के बीच में कहीं पर रखते हैं तब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो यहां हम ध्यान देंगे बड़ा और वास्तविक सही विकल्प होगा, तो पहला उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस पारदर्शी माध्यम को कहते हैं, तो हम जानते हैं कि लेंस की परिभाषा ही यही है कि लेंस वह पारदर्शी समांग माध्यम है जिसका कम से कम एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, वक्रीय हो, तो उसे हम लेंस कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा गोलीय लेंस। अगले प्रश्न चलते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। यहाँ हम ध्यान देंगे दीर्घ दृष्टि दोष में जो कारण है वो या तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना है जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, या नेत्र गोलक के व्यास का घट जाना है जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दोनों ही कारण में से कोई भी कारण हो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और इस दोष का निवारण करने के लिए हमें प्रतिबिंब को रेटिना पर
यानी पहले फोकस करना होगा, और पहले फोकस करने के लिए हमें अभिसारी लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण से इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन सके। तो विकल्प हमारा बी उत्तल लेंस सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है धनात्मक ऋणात्मक या कभी धनात्मक ऋणात्मक अथवा इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे वस्तु की दूरी चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, सॉरी वस्तु की दूरी लेंस से हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, इसमें कोई आपको अपवाद नहीं मिलेगा। तो आपका उत्तर होगा बी ऋणात्मक। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि यहां ध्यान दीजिएगा प्रत्येक नहीं कहना चाहिए था, लेंस कहना चाहिए था केवल, क्योंकि कुछ लेंस ऐसे भी हैं जिसमें एक ही वक्र पृष्ठ होता है तो एक ही वक्रता केंद्र होगा, जैसे समतल उत्तल लेंस या समतल उत्तल लेंस में, जैसे समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस में। लेकिन हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में द्वि उत्तल लेंस या द्वि अवतल लेंस ही है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। तो लेंस के दो वक्रता केंद्र क्यों होते हैं? क्योंकि उसके दो वक्र पृष्ठ होते हैं, दो वक्र सतहें होती हैं। तो हमारा पहला विकल्प लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो हम सभी जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है, तो 10 का दोगुना है 20, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध इस प्रकार से है कि F इज इक्वल टू आर अपॉन टू, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 28 का आधा है 14 सेंटीमीटर, तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी उसका वक्रता केंद्र होगा यानी सी होगा, और जब वस्तु सी पर रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, अर्थात दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो यहाँ यू दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यानी भी दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो अगर यू और भी उत्तल लेंस के लिए बराबर आते हैं, इसका मतलब यू जो है वह 2f के बराबर है, यू जो है वो 2f के बराबर है, इसलिए अगर हमें उसे फोकस दूरी ज्ञात करनी है उस लेंस की, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यू बाई टू, यानी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और चूंकि लेंस उत्तल है इसलिए यह धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ चूंकि चिन्ह दिए नहीं गए हैं यहाँ चूंकि चिन्ह दिए नहीं गए हैं, तो विकल्प सी में ही केवल 15 सेंटीमीटर आया है, यह हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी एफ हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, और लेंस की क्षमता पूछी जा रही है। हम लोगों ने पढ़ा है कि लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू होता है 1/F, जबकि F मीटर में लिया गया हो, तो यहाँ अगर हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, और ये मान यहाँ रखते हैं तो P इज इक्वल टू हो गया 1/0.2 या 10/2 या 5, और चूंकि लेंस उत्तल है तो F धनात्मक था, इसलिए यहाँ पे +5 मात्रक डायोप्टर होता है क्षमता का, तो +5D हमारा उत्तर होगा। विकल्प बी में +5D दिया है, तो ये हमारा सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है,
प्रकाश तरंग का उदाहरण है, और विकल्प दिए गए हैं ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में चल सकता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ध्यान रखेंगे अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, तो विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, तो हमारा विकल्प डी गोली दर्पण का द्वारक सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो जाहिर सी बात है, जब R 32 होगा तो F 16 होगा, और चूंकि दर्पण उत्तल है तो इसका चिन्ह धनात्मक होगा, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक होने से तात्पर्य है कि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, पूछा गया प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ ध्यान रखेंगे विकल्प बी और विकल्प सी गलत है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब सीधा कहा गया जो कि संभव नहीं है ऋणात्मक आवर्धन की स्थिति में। विकल्प ए पर विचार करें तो वास्तविक और उल्टा, तो विकल्प ए संभव है, उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, और विकल्प डी संभव नहीं है, क्योंकि यदि प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वो आभासी नहीं हो सकता, इसलिए विकल्प ए वास्तविक एवं उल्टा प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, अंदर की ओर बाहर की ओर। तो आप देखें एक गोली दर्पण है, इस पर कलई हम बाहर भी कर सकते हैं, और या यह गोली दर्पण है इस पर कलई हम भीतर भी कर सकते हैं, तो वक्र पृष्ठ बाहर भी सकता है और वक्र पृष्ठ भीतर भी सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा अंदर या बाहर की ओर, विकल्प सी। अगला प्रश्न लेते हैं। वह गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, अर्थात उसमें बाहर की तरफ कलई की गई है, परावर्तक पृष्ठ भीतर की तरफ है इस प्रकार से, तो जाहिर सी बात है ये दर्पण हमारा अवतल दर्पण होगा, विकल्प ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोली परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित है यानी कलई भीतर की तरफ की गई है, तो जाहिर सी बात है यह हमारा उत्तल दर्पण होगा, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से दिखाते हैं, तो विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन को आप जानते हैं यम से दिखाते हैं, और यम की बात करें तो यह क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई है, चूंकि लंबाइयों के मात्रक एक ही होंगे जो भाग देने पर निरस्त हो जाएंगे, अतः आवर्धन का कोई एसआई मात्रक होता ही नहीं है, यह एक मात्रक विहीन राशि है, विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? हम सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता
त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस यानी हम मुख्य अक्ष कहते हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। यह प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, यह प्रश्न गलती से यहाँ दोहराया गया है। उत्तर आप जानते हैं, द्वारक। अगला प्रश्न लेते हैं। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखेंगे, टॉर्च एवं वाहनों के जो हेडलाइट्स होते हैं उनको लाइट को दूर तक थ्रो करना होता है। लाइट एक बीम के रूप में जानी चाहिए। इसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं जिसमें बल्ब फोकस पर होता है ताकि एक लंबी बीम लाइट की हम थ्रो कर सकें। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। वाहनों के साइड मिरर, यहाँ ध्यान देंगे साइड मिरर का प्रश्न है, किस दर्पण का प्रयोग कहता है? तो साइड मिरर में हमें वस्तुओं के छोटे और आभासी यानी सीधे प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है, इस कारण से हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं लेंस की परिभाषा ही यही है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी समांग माध्यम लेंस कहलाता है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? आपके पाठ्यक्रम के अनुसार द्वि उत्तल लेंस या द्वि अवतल लेंस है आपके पाठ्यक्रम में, तो जिसमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं, दो वक्र पृष्ठ होने के नाते दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को हम डायोप्टर कहते हैं। तो डायोप्टर सही विकल्प है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमें उसका प्रतीक बताना, धनात्मक है, ऋणात्मक है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो हम सभी जानते हैं क्षमता का चिन्ह फोकस दूरी के चिन्ह से आता है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, इसीलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता पी भी ऋणात्मक होगी। तो विकल्प ए ऋणात्मक सही उत्तर है। प्रकाश गमन करता है, ये आपने बहुत छोटी कक्षा में पढ़ा है, आपने क्लास सिक्स में पढ़ा होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। विकल्प ए सही उत्तर है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है हम सब जानते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सन से, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो हम क्या कहते हैं? सूर्य को प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो किरणों के समूह को हम पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, तो प्रकाश किरणों का समूह किरण पुंज कहलाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ये वही चित्र हैं जो हम कॉपी पर बना करके प्रकाश के अपवर्तन को या वस्तुओं के प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को दिखाते हैं दर्पण द्वारा या लेंस के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं किरण आरेख। तो विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण से सदैव सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो
तो विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण एक की क्रियाएं अभिसारी हैं, तो विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी और वस्तु से छोटा, तो आभासी यानी काल्पनिक और वस्तु से छोटा, ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण से हम जानते हैं सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये संभव नहीं है उत्तर हो। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तर नहीं है, और यह भी उत्तर नहीं है। तो अवतल दर्पण से हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पहला दिया समतल दर्पण, समतल दर्पण से बराबर प्रतिबिंब बनता है, ये विकल्प सही नहीं है। उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यह भी विकल्प सही नहीं है। अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, यह विकल्प सही है। अवतल से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यह विकल्प सही नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न लेते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण से याद रखेगा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है जो कि वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो विकल्प बी सही है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे सोलर कुकर में हम सूर्य की किरणों को एक अपवर्तक पृष्ठ पर डालते हैं जो कि समांतर आ रही हैं, और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर काटती हैं जिसे आप फोकस करते हैं, और यहीं पर हम फूड को पकने के लिए रखते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब दर्पण हमारा कैसा हो, अवतल दर्पण हो। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है हजामत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पुनः देखेंगे हजामत करने के लिए भी हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी अथवा फोकसांतर कहते हैं, विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानें कि अवतल दर्पण से आमतौर पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब केवल एक स्थिति में बनता है, जब वस्तु यफ और ध्रुव के पोल के बीच में हो तब, तो एफ और पी के बीच में हो तब, तो दर्पण और फोकस के बीच हो तो ऐसा होगा, विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा, उल्टा, तिरछा, औंधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो क्षमता पी बराबर, पीछे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 1/f होता है, f का मान मीटर में चाहिए और यहाँ 1 मीटर दिया ही है, तो क्षमता 1 डायरेक्टर होगी, लेंस उत्तल है तो यहाँ प्रति इसका चिन्ह धनात्मक होगा, तो 1 डायरेक्टर विकल्प बी सही उत्तर है। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ हल किया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने उन मित्रों के साथ जो आपकी ही कक्षा में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें,
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।